बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैथ 6 2 3 टेंसर एनालिसिस या टेंसर कैलकुलेशन की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल नंबर 7 8 9 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी उम्मीद होगी कि मिड टर्म से पहले पहले मैं तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दूँ ताकि स्टूडेंट्स की गाइडेंस हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनकी भी वीडियो बना के अपलोड कर सकूं और आप तक जल्द सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 7 में हम परमुटेशन सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रॉनिका सिंबल देखा था। क्रॉनिका सिंबल डेल्टा सिंबल को कहा जाता है जिसमें दो इंडेक्स इन्वॉल्व होते थे, आई एंड जे। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर एक इंडेक्स बढ़ जाए यानी तीन इंडेक्स हो जाएं तो तब हम परमुटेशन सिंबल या लेविसविटा सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेविक्विटा भी बोलते हैं इसको या लेविसविटा। तो इससे पहले हमने डेल्टा सिंबल देखा था आई जे, जिसमें दो इंडेक्स थे, और ये भी हमने देखा था कि अगर आई जे के इक्वल हो तो आंसर 1 आता है, यानी यहाँ पर 1 1 2 2 एट्सेट्रा हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन परमुटेशन सिंबल में उलट है। परमुटेशन सिंबल में अगर आई जे के इक्वल है तो आंसर 0 आएगा। क्लियर हो गया? ये पहला डिफरेंस ये है, अगर डेल्टा में आई जे के इक्वल है तो आंसर 1 है, लेकिन अगर परमुटेशन या एप्सिलॉन आई जे, देखिए इसमें तीन इंडेक्स इन्वॉल्व हो गए हैं, या आई जे के इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अब अगर तीन इंडेक्स हैं और तीन ही वेरिएशन हम ले रहे हैं 1 2 3, तो 27 आपके पेयर्स बनेंगे, 27 पॉसिबल पेयर्स आपके आएंगे। ठीक है, खैर ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने आपको चीज़ बताई है, ये याद रखनी है आपने। अब मैंने बोला कि आई जे के अगर इक्वल हो तो आंसर 0 आएगा। 1 कब आएगा? इसके लिए 1 2 3 की एक साइकिल हम देखते हैं। 1 2 3 में पहले हम एंटी क्लाक देखेंगे। एंटी क्लाक में आपको पता है कि आंसर प्लस में आता है। पहली परमुटेशन या पहला पेयर आपका बनेगा 1 2 3, यानी 1 2 3, ये आंसर 1 आएगा। एंटी क्लॉक में आपको पता 1 आता है। अब 1 को छोड़ दें, 2 से स्टार्ट करें, 2 3 1 2 3 1, आंसर 1 आएगा। इस तरह आप 2 को छोड़ दें, 3 से स्टार्ट करें, 3 1 2, आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर इसी अरेंजमेंट यही रहने देनी है आपने, 1 3 2, इसी तरह। अब अगर इसी अरेंजमेंट को हम क्लॉक वाइज देखें, यानी 1 से स्टार्ट करें, 1 3 2 -1 आएगा, 3 2 1 -1 आएगा, 2 1 3 -1 आएगा। क्लियर हो गया? ये जस्ट स्टूडेंट्स 6 अरेंजमेंट्स हैं या 6 पेयर्स हैं जिनके आंसर 1 और -1 आते हैं, बाकी सब के यानी 21 के आंसर क्या आएंगे, 0 ही आएंगे, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको याद करने का एक और मैंने ट्रिक बनाया हुआ है कि आपने एक मैट्रिसेस 3 बाई 3 लेना है, ये जितने भी डायगनल्स होंगे ना उसको 0 रखना है। ठीक है, यानी डायगनल 0 का मतलब होगा कि 1 1, यानी जिसमें बराबर हैं आई जे के वो 0 होंगे। इसमें भी आपको पता है ए 2 2 होता है, ये भी बराबर हैं तो ये भी 0 होगा, ए 3 3 ये भी 0 होगा। अब 0 के नीचे -1 आएगा, 0 के ऊपर +1 आएगा, और ये याद रखना है 0 के नीचे -1 आ रहा है तो सिर्फ एक ही -1 आना चाहिए, दूसरा फिर प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर 1 आ रहा है प्लस में तो एक ही प्लस वाला 1 होना चाहिए, बाकी जो है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये बनाने का तरीकेकार है। अब इससे आप इजीली डिडक्ट कर सकते हैं आई जे के को, यानी जिसमें इसमें तीनों में आपको पता है आई जे के बराबर होंगे। इसमें देखिएगा, अगर इसको देखूं मैं तो ये बनता है 1 3, तो 1 3 वाला जो, आपको जाहिर सी बात है लास्ट वाला 2 आएगा, 1 3 वाला जो पेयर होगा वो -1 आएगा। जैसे इसमें देखिएगा 1 3 वाला पेयर -1 में। अब इसको ले लें, ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 2 1, तो 2 1 वाला -1 में आएगा। ये देखिएगा 2 1 वाला, ये -1 में आ रहा है। ये आप कोई भी वैल्यू लेके देख लें, यही आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा एक और एप्सिलॉन आई जे के का फार्मूला है 1 बाई 2 आई माइनस जे, जे माइनस के माइनस आई। तो
तो इसमें आप आई जे की जगह कोई एक पेयर पुट कर लें, आंसर माइनस वन आएगा इनमें से लेके। अगर इनमें से लेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस वन आएगा। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। तो आई माइनस जे, जे माइनस के माइनस आई डिवाइडेड बाई टू, ठीक हो गया। तो इसके बाद एक पहली एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बोला हुआ है, अब ये डेल्टा क्रॉनिक का सिंबल और परमुटेशन सिंबल का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है। ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डेल्टा क्रॉनिक का सिंबल और परमुटेशन सिंबल या लेवी सेविटा का सिंबल, इन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो ये कैसे जीरो होता है देख लेते हैं। पहले तो हम दो केस देखते हैं आई और जे के हिसाब से। अगर तो आई जे के इक्वल है, केस वन ये बनेगा, तब आंसर क्या आएगा। अब देखिएगा केस वन में हम ऊपर देखते हैं। अगर आई जे के इक्वल है तो आपको पता है, अगर आई जे इक्वल है तो आंसर मैंने आपको बोला था वन आता है डेल्टा में। एप्सिलॉन में अभी आपने देखा आई जे के बराबर हो तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो वन इंटू जीरो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब केस टू में अगर आई जे के इक्वल नहीं है, यानी आई जे के इक्वल नहीं है यहाँ पर, अब अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो केस टू में डेल्टा आपको पता है जीरो होता है, और एप्सिलॉन का आंसर क्या आता है, वन या माइनस वन। कोई भी एक केस बन सकता है, कोई भी आ सकता है, वन या माइनस वन। जीरो से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया आई थिंक। आप इधर से सोल्यूशन ले लें, इनफ है। आगे ना भी करें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनफ है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड प्रूफ देख लेते हैं। डेल्टा सॉरी एप्सिलॉन आई पी क्यू इंटू एप्सिलॉन जे पी क्यू, यानी दो परमोटेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, टू इंटू डेल्टा के बराबर आएगा, यानी टू क्रॉनिकल के बराबर आएगा। तो ये आपको डिफरेंट वर्डिंग में कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमोटेशन इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं, पहले हम इनकी अरेंजमेंट बनाएंगे। एन ये वेरिएशन उसने दे दी हुई कितनी है, थ्री है वेरिएशन, क्योंकि आपको पता है तीन इंडेक्स हैं तो तीन ही वेरिएशन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पी दो दफ़ा आ रहा है तो ये तो आपका डमी हो गया। क्यू भी कितनी दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है दो दफ़ा, तो ये भी आपका डमी हो गया। आई जे जो है वो आपके फ्री इंडेक्स होंगे, ये बात तो पहली कन्फर्म हो गई, ठीक है। अब हम वेरिएशन देंगे। वेरिएशन देने के तरीके अब आपको आते ही हैं, डिफरेंट तरीकों से वेरिएशन आप दे सकते हैं, लेकिन ये है कि वेरिएशन देने के बाद इनकी जो वेरिएशन बनेगी वो ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन बनेंगी, लेकिन अभी हमने आई जे को छोड़ के बाकी कौन सी वेरिएशन दी हुई हैं डमी इंडेक्सेस की। पहले वन वन दे ली, फिर टू टू दे ली, ठीक है, फिर थ्री थ्री दे ली। मैं इस तरह करता होता हूँ, पहले दोनों की जगह सेम दे लिया, फिर चेंज करता हूँ, फिर वन टू दे लिया, ठीक है, सबको क्या कर लिया, वन टू दे लिया, फिर उसके बाद वन थ्री दे लिया, फिर उसके बाद टू वन दे लिया, फिर टू थ्री दे लिया, थ्री वन दे लिया और थ्री टू दे लिया, ठीक है। तो ये आपकी वेरिएशन बन जाएंगी। अब बाकी बात आ गई आई और जे की। आई जे आपके फ्री इंडेक्स हैं। अब आई जे कैसे आपने यहाँ पुट करना है, यहाँ पर ये ट्रिकी चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, अब चूंकि आई फ्री है, यहाँ वन टू है, अगर मैं यहाँ पर वन रख देता हूँ तो ये तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, चूंकि ये फ्री इंडेक्स है और ये वन टू ऑलरेडी आ गए हैं, तो दोनों की जगह मैं यहाँ वन रख दूँ वो तो आपका डमी बन जाएगा। समझ आ रही इस चीज़ की, अगर मैं आई जे की जगह क्या कर दूँ वन रख दूँ तो ये तो वन वन क्या हो जाएगा, डमी हो जाएगा। सो इसको आप वन नहीं रख सकते, यहाँ क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे, ठीक है, ये आपने खुद चूज करना है। अब यहाँ पर देखिएगा वन थ्री है, इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई भी नहीं रखेंगे, जो बाकी बच जाता है टू टू रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप वन रखेंगे तो वन इंटू वन भी डमी बन जाएगा, थ्री रखेंगे तो थ्री एंड थ्री भी डमी बन जाएगा। इसी तरह इसमें आप टू वन वाले में थ्री रखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है, ये अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये थ्री वाले, टू वाले और वन वाले,
अगर ये देखें 3 1 2, 3 1 2 की जो पेयरिंग है वो हमने पीछे पड़ी हुई है, मैं पीछे लेके जाता हूँ एक दफा, 3 1 2 ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की? तो ये आपने उस साइकिल को गौर से देखना है। अब ये 3 यहाँ पर, सॉरी, हाँ ये 3 1 2 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसी तरह ये 2 1 3 भी किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की? इसकी जगह 1 प्लस 1, तो ये आंसर 1 वेरिएशन रखने से, सॉरी 1 रखने से और 3 रखने से, यहाँ पहले मैंने 3 रखा है, ठीक है, 3 रखने से और 1 रखने से और 2 रखने से, इनकी जगह आंसर क्या आ जाएंगे? 1 1 आ जाएंगे, और इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, जिसमें ये टू पी क्यू, लाइक इनके अंदर अगर कोई साइकिल आ रहा है, ये इन 6 साइकिल्स के अंदर कोई साइकिल आ रहा है, बल्कि इसमें इन तीनों में आएगा कोई, बाकी तो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, इनके अंदर जो साइकिल आ रहा है वो आप चेक कर लीजिएगा, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपका किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। इसी तरह ये भी किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। ये भी किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा, आई एंड जे आर फ्री इंडिसेस, सो इन 1 इक्वेशन दे कैन अज्यूम 1 वैल्यू। ठीक है, अब आप, उसने बोला है कि ये फ्री इंडेक्स हैं, फ्री इंडेक्स हैं, तो आप इस हर इक्वेशन में से एक वैल्यू ले सकते हैं, यानी एक वैल्यू को कंसिडर करेंगे, बाकी इग्नोर कर देंगे, ठीक है, कोई एक वैल्यू ले लें, ये ले लें, ये ले लें, या ये ले लें, ठीक है। सो ये आपका 2 आ जाएगा, तो अब 2 जो है इसको हम डेल्टा आई जे का नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो यही आपका प्रूफ था। ये नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं, वो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें नेक्स्ट हम टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को शुरू करते हैं, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये मैट्रिक वाला काम है, तो देख लेते हैं पहले। एक सपोज सी मैट्रिक्स है, सी आई जे 3 बाय 3 का, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा एक समझा देता हूँ। तो पहले तो आपको ये पता है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर हो। इसमें एक कॉलम है, सॉरी, ये पहला मैट्रिक्स ए है, इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, और दूसरे में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो यानी ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, बी ए नहीं हो सकता, तो इसमें हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब इसकी इंडेक्स हम कैसे लेंगे, वो ज़रा ट्रिकी काम है। स्टूडेंट्स, ये ए का मैट्रिक्स है, ये बी का मैट्रिक्स है। अब देखिएगा, पहले तो हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, यानी ये एन के का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर इसमें इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय सॉरी 2 बाय 1 है, यानी 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो यहाँ ये 2 बाय 1 इसका ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय 2। ठीक है, अच्छा, जब इसका आंसर आएगा ना, यानी 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 आंसर कैसे, नहीं आंसर कैसे लेंगे? इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडेक्स में। तो इसी तरह इन जब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एम मल्टीप्लाई होगा किससे? के से। यानी जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट इस ऑर्डर में आएगा। सपोज ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो 2 बाय 2 करके ऑर्डर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मैट्रिक्स में आपको पता है कि जब प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस भी होता है, यानी पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, यानी इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आई जे की जगह आई आर लगा दिया गया है। ठीक है, यह सच कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? फिर भी कोई शक हो तो आप पूछ सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन। ठीक, इनवर्स, इनवर्स भी आपने पढ़ा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ए बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसको इंडेक्स इंडेक्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये आई जे की जगह आपने क्या लगा दिया? आई आर, चूंकि ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं ना, मैंने पीछे बता दिया आपको, तो इसको
इस इंडेक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। इस तरह ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में भी आई जे, ट्रांसपोज में क्या होगा, आर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज आपको पता है क्या आ जाता है, रो जो थी वो कॉलम बन जाएंगे, 2 1 और ये 2 0। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर नंबर चेंज हो गए हैं, यानी आर्डर तो हो ही रहा लेकिन नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है, लेकिन क्या हो गया, नंबर चेंज हो गए। जो कॉलम था वो रो बन गई, जो रो थी वो कॉलम बन गया। ये सपोज रो थी, ये कॉलम था, तो अब ये क्या हो गया, कॉलम बन गया और ये क्या बन गई, रो बन गई। ये इंडेक्स को ज़रा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये आगे इसको सॉल्यूशन को आप इजीली कर सकते हैं। अब इसी तरह ये ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसका ये देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो पहले ए मैट्रिक्स लिया, ए ये आ गया, बी ये आ गया, बी आई जे एन के। अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, अब ए बी को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको हमने नाम क्या दे दिया, सी आई जे एम के का नाम दे दिया। अब कैसे दे दिया, मैंने आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में ये वाला पहला आखिरी से क्या होगा, इंडेक्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाता है आपका। ठीक है, यानी इसका आर्डर और इसका आर्डर आपस में मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट पे क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेना आपको आता ही, अभी सपोज आई आई जे है तो क्या बन जाएगा, जे आई बन जाएगा, आर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बी का ट्रांसपोज इसी तरह ही आ जाएगा, सी का भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं पूरे का, तो आई जे कॉलम किस में चेंज हो जाएंगे, रो में चेंज होंगे। तो बाकी सारे इसी तरह ही आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि सपोज हमारे पास एक पेंसिल है, ये यहाँ पर एक पेंसिल है, तो इसके ये कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट हैं और ये जो है इसके ये वाई कोऑर्डिनेट है सर, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं पेन को, तो जब पेन को रोटेट करते हैं तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब रोटेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैपिंग ऑफ फॉर्म ऑफ दिस, यानी ये एक हमारे पास वेक्टर है, तो जब आप उसको चेंज करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो ये इसका क्या होगा, मैप होगा। ठीक है, जैसे ये एक सरफेस है हमारे पास, तो इस सरफेस का जब आप इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो चीज़ बनती है ये चीज़ टी एस, ये इसकी क्या होगी, मैपिंग होगी। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। पी हैज कोऑर्डिनेट 1 2 इन यू वी प्लेन, फाइंड कोऑर्डिनेट इन एक्स वी प्लेन, यानी यू वी प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है पी, उसको एक्स वाई प्लेन में हमने फाइंड करना है, जबकि उसने एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, वाई की भी वैल्यू दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू टी यू वी माइनस वी। वेरी सिंपल, ये पी यू वी के हिसाब से दिया हुआ है, अब एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी है, वाई इज इक्वल टू टू यू वी टू यू माइनस वी है। तो यहाँ से हमने एक्स की यू की जगह यू की वैल्यू 1 पुट की, वी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लेन में। इसी तरह वाई वाले में देखेंगे यू और वी की वैल्यू पुट करने से तो वाई प्लेन आ जाएगा, तो वाई प्लेन में आंसर क्या आ जाएंगे, 3 एंड 0। क्लियर हो गया। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। सम वेल नोन ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ नाम हैं। अगर तो एक ये पूरे की पूरी यानी 360 डिग्री पे कुछ चीज़ घुमा दी जाए तो उसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर 180 पे है तो वो आपकी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अगर आप क्या कर देते हैं, बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, बल्कि एक ही चीज़ को सेम एज इट एज थोड़ी ज़ीरो एंगल पे, यानी कि इसमें ज़ीरो एंगल होगा, ज़ीरो एंगल पे आगे ले जाते हैं तो वो आपका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, उसको हम डायलेशन कहेंगे। ये याद रखना है आपने। ठीक है,
इसी तरह ये देखिएगा, उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं थ्रू थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर ये आपने क्या किया, थोड़ा ऊपर कर दिया, तो ये ट्रांसलेशन है। पहले इधर था, या ये कह लें कि पहले ऊपर था, इसको नीचे कर दिया, तो ये आपकी ट्रांसलेशन होगी। अब अगर ये स्केल में अगर आपने इसको बढ़ा दिया, टू टाइम कर दिया, तो ये स्केल हो जाएगी। अगर घुमा दिया किसी खास एंगल पे, रोटेशन से नाम से जा रहा है कि एंगल होता है कोई ना कोई, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह ये आपका डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन में भी आप उसको थोड़ा डिफॉर्म करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये इसके नाम याद रखिएगा। इसको मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई, तो वो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 5374301 30। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।